हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया से होंगे। तो लो, मैं आप लोग के लिए फिर से एक और नया व्लॉग वीडियो लेकर के आई हूँ। और इस व्लॉग वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मेरा जो बेडरूम है, मैं उसको किस तरह से मैनेज करती हूँ, किस तरह से क्लीन रखती हूँ, और मुझे सुबह के टाइम पे बेडरूम को मैनेज करने में कितना टाइम लगता है, ये सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, आप लोग के लिए वाला वीडियो हेल्पफुल भी हो सकता है, क्योंकि मैं कुछ कुछ बीच में टिप्स भी दूंगी। हो सकता है आप लोग को पता हो, बट फिर भी मैं आप लोग को टिप्स दूंगी। और इसके बाद अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो प्लीज डेफिनेटली लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो, और इंस्टाग्राम पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना। चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में क्या करती हूँ, निहल को स्कूल भेजकर और निहल के पापा जब ऑफिस चले जाते हैं तभी मैं बेडरूम को ठीक करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे घर खाली रहता है और दिमाग बिल्कुल शांत रहता है, तभी मैं अपने बेडरूम को अच्छे से साफ सफाई कर पाती हूँ। तो उन लोगों के जाने के बाद सबसे पहले जितने भी कपड़े रहते हैं ना, तौलिया हो गया या धोने वाले कपड़े हो गए या स्वेटर्स वगैरह होते हैं, वो सब मैं उठा करके उनकी जगह पे रखती हूँ। जैसे धोने वाले कपड़े होते हैं, जैसे नेहल के कपड़े मैं डेली रखती हूँ धोने के लिए, एक्सेप्ट स्वेटर्स वगैरह, नहीं तो जो उसके इनर वाले कपड़े होते हैं सब धोती हूँ मैं। तो वो सब उठा करके मैं धोने में डालूंगी। इसके बाद स्वेटर्स वगैरह जो होते हैं वो डेली नहीं धुलते हैं, तो उसको फोल्ड करके मैं अलमारी में डाल देती हूँ। और जो होते क्या है कि ना, रात के कुछ कपड़े जो होते हैं, जो नाइट नाइट के लिए हम स्पेशली पहनते हैं रात रात के लिए, वो कपड़े भी मैं उठा करके फिर हैंग करती हूँ, क्योंकि वो बार बार डेली तो धुल नहीं सकते, इसलिए मैं उस सबको उठा करके उनकी जगह पे रखती हूँ। जो मतलब यूज होने वाले हैं दोबारा से, उनको उनकी जगह पे रख देती हूँ, हैंग कर देती हूँ, नहीं तो फोल्ड करके रख देती हूँ, धो देती हूँ, धोने के लिए डाल देती हूँ धोने वाले कपड़े। और इसके बाद मैं सबसे पहले क्या करती हूँ कि कम्बल को फोल्ड करती हूँ, और जितने सॉफ्ट टॉयज है ना उन सबको उठा करके नीचे रख देती हूँ। बच्चे वाला घर है तो सॉफ्ट टॉयज तो होना बनता है और होगा ही, इतने सारे गिफ्ट्स ही मिल जाते हैं नेहल को उसके बर्थडे पे, इतने सारे सॉफ्ट टॉयज मिले हैं। इसके बाद मैंने सारे खिलौने वगैरह उठा करके बिस्तर से नीचे रखती हूँ, क्योंकि रात में क्या होता है, नेहल सारे खिलौने लेके ऊपर बैठ जाते हैं और खेलने लगती है, और उसके बाद हमें समेटते समेटते हालत पंचर हो जाता है, इसलिए हमें जितना समझ में आता है हम उसको सब साइड में रख करके सो जाते हैं, बाद में सुबह उठ करके हम उसको ठीक करते हैं। तो इस तरह से आपको बिस्तर पे मेरे बहुत सारे खिलौने देखने को मिलेंगे, अभी देखना। इसके बाद मैं सारे कम्बल वगैरह फोल्ड करती हूँ, दो कम्बल यूज करती हूँ, क्योंकि नेहल जो है उनको बहुत गर्मी लगती है रात में, तो इसलिए वो खुद नहीं ओढ़ती और फिर हमें भी नहीं ओढ़ने देगी, इसलिए हम दो कम्बल ओढ़ते हैं। इसके बाद मैं बेडशीट चेक करती हूँ। बेडशीट क्या है कि बेडशीट पे अगर अगर दो तीन दिन से, तीन से चार दिन से ज्यादा हो गया तो मैं उसको चेंज कर देती हूँ। मैं वीक में दो बेडशीट रखती हूँ। अगर आपके घर में बच्चे ज्यादा बेडशीट आपके गंदे करते हैं तो आप मैक्सिमम दो दिन का टाइम ले सकते हो, नहीं तो तीन से चार दिन इट्स इनफ है। आपका बेडशीट अगर आपका साफ रहता है तो आप तीन से चार दिन बाद अपना बेडशीट चेंज कर सकते हो, क्योंकि उनको भी साफ सफाई करने के लिए सर्फ एक्सल लगता है, सर्फ लगता है। और अगर आप बार बार किसी कपड़े को धोगे, बेडशीट वगैरह को भी अगर आप धोगे ज्यादा, तो वो बेडशीट फिर खराब हो सकती है। तो इसलिए आप जो है दो तीन से चार दिन अगर आपका बेडशीट साफ रहता है तो तीन से चार दिन में आप धो सकते हो। इसके बाद मैंने गद्दे के ऊपर और बेडशीट के नीचे एक जो है दरी बिछा रखी है, जिससे मेरी बेडशीट ना वो घिसके ना और अपनी जगह पे बने रहे, इसलिए मैंने एक दरी बिछा रखी है बेडशीट के नीचे, और उसको भी मैं झाड़ती हूँ और उसको भी टाइम टू टाइम धोती हूँ, क्योंकि वो भी बेडशीट की तरह जो है गंदा हो सकता है और होता भी है। तो इसलिए इसके बाद में जब वो दरी बिछा लेती हूँ, उसको ठीक कर लेती हूँ, इसके बाद मेरा दरी ठीक है तो फिर वो बेडशीट अपने आप ही ठीक रहता है और मैं अपनी बेडशीट को फिर उसी तरह से मैनेज कर पाती हूँ। और ये बेडशीट इतनी अच्छी है ना, मैंने इसको शायद फ्लिपकार्ट या अमेजोन से परचेस किया था और उस समय ये 300-400 रुपए की बेडशीट है और ये आज भी बहुत अच्छी है। ये गद्दे के साथ ना, मतलब ये वाला बेडशीट इतना अच्छा है कि अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। बस इसमें क्या हुआ है कि इसका जो तकिया कवर है ना, उसमें रुएं आ गई है। तो इसके बाद मैं ना कम्बल वगैरह फोल्ड करके उनकी जगह पे रखती हूँ। तो अभी मैंने फोल्ड करके एक तरफ रख लिया है, क्योंकि अभी मैंने डस्टिंग वगैरह नहीं की थी, सिर्फ मैंने अपना बेडशीट मैनेज किया है, जितने कपड़े वगैरह थे सब कुछ मैंने हटा करके रखा है। इसके बाद मैंने एक तकिया कवर ना धोने के लिए ले लिया था, क्योंकि वो गंदा हो गया था, तो मैं अब वो बिछा लूंगी। तो ऐसे में ना अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने उसके ऊपर रख लिया। और मेरा ना एक तकिया बहुत खराब हो गया, उसका ना और उसके अंदर से ना कॉटन निकलने लगा था, मतलब जो तकिए का खौ, मतलब अंदर जो फीलिंग होती है ना वो निकल गया, फिर मैंने उसको फेंक दिया। अब मैंने क्या करने बैठी कि
जितनी भी मतलब वैसे तो डस्टिंग मैं डेली करती हूँ, ये मैं आप लोग को दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से डस्टिंग करती हूँ अपने कमरे, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में व्लॉगिंग वीडियो में अपना प्रॉपर डस्टिंग वाला वीडियो शेयर नहीं कर पाती, कुछ कुछ क्लिप्स हटा लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले जितनी भी फोटोज वगैरह होती है ना उन सबको अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, कि उसको डेली क्लीन कर रखती हूँ, तभी मेरी इतनी धूल मिट्टी नहीं होती मेरे फोटोज वगैरह पे। तो उन सबको क्लीन करने के बाद मैं बैठ के कॉर्नर्स वगैरह साफ करती हूँ, और अगर महीने का फर्स्ट डे होता है तो फिर मैं कैलेंडर चेंज कर लेती हूँ। इसके बाद जितने सब मैंने यहाँ पे डस्टिंग करने के बाद, ये बेड वगैरह के कॉर्नर्स वगैरह पे डस्टिंग करने के बाद जितने मतलब अगर कोई चॉकलेट की पॉलिथीन है रैपर है तो वो फेंक देती हूँ नीचे, जब आंटी आती है तो झाड़ू वगैरह लगा लेती हैं। इसके बाद मैं अपने जो है ड्रेसिंग टेबल को साफ करती हूँ, और मैं ड्रेसिंग टेबल को साफ करने के लिए मैं कॉलिन यूज करती हूँ। कोई भी शीशा हो मेरे घर में, वो फ्रिज हो चाहे जो शीशा है, वो कॉलिन के बगैर मैं साफ करती ही नहीं हूँ। कॉलिन से इतने अच्छे से साफ हो जाता है, जितना भी दाग धब्बा होता है ना वो सब साफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से बिल्कुल साफ सफाई रखती हूँ, देख रहे हो। मैं ड्रेसिंग के टेबल के ऊपर भी जो है ना कॉलिन से रखती हूँ, जिससे वो जो धूल मिट्टी है वो सब हम लोग जो है ना अच्छे से क्लीन कर सकूं मैं। और निहल क्या करती है ना, चम्मच वगैरह और टिश्यू वगैरह ना वहां पे जाके रख देती है, बच्चा खेलते खेलते तो कुछ भी रख देता है, तो फिर वो तो बाद में मम्मी की ड्यूटी बढ़ जाती है, मम्मी अपना साफ सफाई करती रहती है, तो वो जितना भी उसको जितना भी उसने गंदा किया होता सब समेटती रहती हूँ। तो मैं शीशे को ना दो कपड़ों से साफ करती हूँ हमेशा, एक बार तो मैं कॉलिन जिस कपड़े से साफ कर रही हूँ छिड़कने के बाद, और इसके बाद उसको अच्छे से क्लीन करने के लिए मैं दोबारा से एक कपड़ा यूज करती हूँ जिससे वो अच्छे से साफ हो जाए। और मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट दिया था रूपल ने, मेरी बहन ने, तो वो मैंने ना मतलब उठाकर वो कार्टून देखा था ना अभी आपने मेरे हाथ में, वो उसी ने गिफ्ट दिया हुआ है, तो वो मैंने अभी लगाया नहीं है क्योंकि ना मुझे समझ में नहीं आ रहा उसको मैं कैसे उसको डेकोरेशन में लेकर के, डेकोरेशन का आइटम ही है क्योंकि नेहल जो है ना वो तोड़ देगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा उसकी वजह से मैंने अभी उसको कार्टून में ही रखा हुआ है। और वो सब साफ सफाई करने के बाद मैं टीवी साफ करने के लिए आई, क्योंकि रूम में टीवी लगा हुआ है तो बेडरूम में क्लीन करने डस्टिंग करने का मतलब है, तो बेशक सी बात है मैं टीवी भी क्लीन करूंगी। तो इसके बाद मैं टीवी को भी कॉलिन से ही साफ करती हूँ, और वो भी डबल कपड़े से ही साफ करती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने स्पीकर्स वगैरह भी साफ किया है। इसके बाद मैं टीवी के जो पीछे वाला जो एरिया होता है ना, अभी देखना आप, वो भी मैं जो है उससे उसे भी साफ करूंगी। डस्टिंग मैं प्रॉपर करती हूँ घर में, कभी भी आप आओगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि डस्टिंग नहीं हुई, क्योंकि मुझे डस्टिंग के बगैर मेरे मतलब अच्छा ही नहीं लगता मुझे। इसके बाद मैं यहाँ पे जो मतलब इसके बाद ही कुछ और काम करती हूँ मैं, एक बेडरूम और एक किचन, अगर ये दोनों हो चुके होते ना तो मुझे बहुत रिलीफ होता है, इसके बाद मैं कोई और भी काम आराम से कर सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे सारे टॉयज जो है ना वो सब अरेंज कर रही हूँ, तो ये मेरा जो टाइगर है ना आप ये देख रहे हो, वो टाइगर मैंने काफी साल पुराना है और अभी तक मतलब बहुत अच्छा है टाइगर। मैंने सिर्फ एक डेकोरेटिव आइटम के हिसाब से लिया था इसको, और मैं इसको हमेशा अपने बेडरूम के बेड के इसी एरिया में रखती हूँ। और ये जो अभी मैंने सॉफ्ट टॉय बनी जो यूज रखा है ना, ये निहल को उसकी मौसी ने गिफ्ट किया था। यहाँ पे जितने आप खिलौने देख रहे हो ना, या तो खरीदे हुए हैं या तो गिफ्ट किए हुए हैं, और यहाँ पे निहल के लिए ही मैंने यहाँ पे सारे टॉयज वगैरह रख दिया है कि वो स्कूल से आएगी तो उसको यहाँ वहां जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ठंडी का टाइम है ना तो उसको सारे खिलौने उसके बिस्तर पे ही मिलेंगे। कुछ खिलौने बाहर हैं जो बिस्तर पे नहीं आ सकते हैं, और मैंने कुछ इस तरह से ना सारे टॉयज को अरेंज करके बेडरूम में लगा दिया अच्छे से, क्योंकि देखने में भी बहुत सुंदर लगता है ना ऐसे में, तो इसलिए। तो मुझे ना रूम को डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है, और ये सब करने में मुझे 15 से 20 मिनट लग जाते हैं, 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है मुझे पूरे अपने बेडरूम को अरेंज करने में। तो नेहल आके ही स्कूल से घर का सारा काम हो गया, झाड़ू पोछा हो गया, देख लो फाइनल लुक मेरे बेडरूम का, और बताना कमेंट सेक्शन में कि आप लोग को कैसा लगा है। आई होप सो आप लोग को अच्छा लगा हो, और जो और आप भी अपना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में कि ऐसा आप कर सकते हो, तो प्लीज वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप लोग को ये वाला वीडियो यूजफुल लगा है तो प्लीज मेक श्योर ये वीडियो शेयर करिएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।